अमृतसर के डीसीपी दफ्तर के अज समूह भाईचारा जो कि वाल्मीकि का इकट्ठा होया तो उन्होंने वालों एक शिकायत अमृतसर के डीसीपी दी गई है। तो शिकायत पुलिस मुलाजम के खिलाफ दी गई है। तो उन्होंने वालों पहला असं तुहानू तस्वीर दिखा रहे हैं, तुम देख सकते हो कि समूह वाल्मीकि भाईचारा जो कि अज वड्डी गिनती दे विच इकट्ठा होया तो उन्होंने वालों एक शिकायत जो कि दी गई है। तो कोर्ट खालसा के जिहड़े पुलिस मुलाजम ने उन्होंने वालों बदसलूकी की गई है वाल्मीकि भाईचारे नाल, जिस तों बाद अज वो इकट्ठे होए ने। तो तस्वीर तुहानू असीं अमृतसर के डीसीपी दफ्तर दीआं दिखा रहे हैं। तो इस वेले वो नौजवान साडे नाल ने जिन्हां नाल बदसलूकी हुई है। तो हाँ सर, की नाम है जी अपना? मेरा नाम शबीर द्रावड़ है जी। तो की कहना चाहते हो, की होया? तो कदों तुसी थाने दे विच गए सी, तो किहड़े मसले दे विच गए सी उत्थे? कल तकरीबन 2:30 बजे के करीब मैं थाने गया एक परिवारिक मसले दे विच, जिदे विच मैडम हरप्रीत कौर ने उस मसले नूं सुलझाया। पर एक पुलिस मुलाजम जो उस मसले दे विच इंटरफेयरेंस कर रहा सी, उन्हें बदसलूकी की साडे परिवारिक मैंबर दे नाल। जदों मैं उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो मेरे नाल भी बदतमीजी उतर आया। तो जो उसकी शिकायत करदा मैं SHO साहब दे कोल पहुंचा, उन्होंने मैं जाके जो मिलन की कोशिश की है, तो पहला तो SHO साहब ने मैनू अंदर आनते ही ये गल कही भी तू कौन है, तू मेरे कमरे के अंदर किदा आ गया। जो मैं उन्होंने अपना परिचय दिता भी मैं वाल्मीकि समाज तो बिलोंग करता वा, तो उन्होंने मैंने ये गल कही भी तेरे वाल्मीकि समाज के हमने दो नौजवान मैं अंदर किए आ, और यह ना हो भी मैं तीनों भी अंदर कर दिया। और उन्होंने हीन भावना देख के मैनू बड़ा महसूस होया भी यार साढ़े समाज ना वितकरा अज भी है। और SHO का कहना सी भी ताडे वर्गे लोग 5-5 हज़ार रुपया लैके लोगों के राजीनामे कराते हैं। तो मैं उन्होंने कहा भी सर इदा सारे बंदे इदा के नहीं होंगे, पर जो रवैया से वो बड़ा हीन भावना वाला से और तानाशाह वाला से। उन्होंने मैंने ये गल कही भी जे मेरे ना तू ज़्यादा गल की तो तेरे ते भी परचा दर्ज करके तेन अंदर कर दूंगा। तो टोटल किन्ने मुलाजमान के वालों ये गल कही गई है तुम्हें उत्थे? तो जिहड़े उहदे नाल दे KSI सी, एक मुलाजम सीगा जिहड़ा मुंशी सीगा कुलवंत सिंह, उन्हां वालों भी सानू ये गल कही भी जो मैं दस्या भी असीं एक रिप्रजेंट करते हैं संगठन वालों अहुदेदार, कहिंदा ये अहुदेदारियां तुसीं अपनी मर्जी नाल लईआं, तुहाडे कोल कोई डिग्री नहीं है। मतलब समाज की बेइज्जती करते हुए उन्होंने साडे उत्ते इदां दे लालचन लगाए भी तुसीं ठगियां मारदे हो, तुसीं ये लोगों ने पखंड फड़िया थाने दे विच आ जांदे हो, तुहाडे वर्गे लोगों नूं तुसीं अंदर ना वड़न दईए, असीं तुहाडे नौकर नहीं हाँ। ये गल्लां उन्हां कोल जदों कहीआं गईआं तां फिर असीं DCP साहब कोल आए हाँ, उन्होंने आश्वासन दिता भी जल्दी उहदे उत्ते बणदी कार्रवाई की जाएगी। और मैं प्रशासन कोलों ये मंग करदा पंजाब सरकार कोलों भी ऐसे तानाशाह अफसर दे उत्ते बणदी कानूनी कार्रवाई जिहड़ी कि SC एक्ट दे अधीन की जाए, कि उन्हें पर्टिकुलर वाल्मीकि समाज की जाति का नाँ लैके मैनू उत्थे बेइज्जत किया। और यही मेरी मंग है जी प्रशासन को भी जल्दी जल्द से कार्रवाई की जाए। तो तुम देखा कि इन्होंने नौजवान के वालों सारे ब्लेम लगाए गए, इन्होंने वालों कहा जा रहा है कि जेडे थाने के SHO तो फिर मुंशी ने उन्होंने वालों यह जी गल् कही गई ने, जिन्हों लैके वो अज्ज वड्डी गिनती इतने पहुंचे ने। तो उन्होंने वालों एक शिकायत अमृतसर के DCP को दी गई है। तो तुम देख सकते हो कि होर भी जरा वाल्मीकि भाईचारा वो भी इतने पहुंचा, असं उन्होंने भी लगातार गलबात करते हैं। हाँ सर, की कहना चाहते जी अज्ज DCP साहब को शिकायत दी गई है, तो की लगता है कि आने वाले समय के कोई कार्रवाई उन्होंने पुलिस मुलाजमान से होगी? पहले सारी संगत नूं जय वाल्मीकि, ये कार्रवाई जिहड़ी है जरूर होगी, क्योंकि मामला कल्ले एक व्यक्ति का या शबीर द्रविड़ का नहीं है, यह जो मामला है पूरे ही वाल्मीकि समाज का है। क्योंकि लगातार अज तुसीं देख रहे हो इत्थे वाल्मीकि समाज दीआं समूह संस्थावां जिहड़ियां अमृतसर तो चल रही ने, कोर कमेटी प्रबंधक कमेटी सारियां इत्थे पहुंचियां ने। अते क्योंकि साढ़े जिन्ने भी समाज के जिन्ने भी व्यक्ति ने जिम्मेवार परसन ने, यह लगातार थाणिआं 'च जिहड़ी समाज दीआं मुश्किलां नूं लैके जां होर लोकां दी मुश्किलां नूं लैके थाणिआं 'च जांदे ने। पर लगातार जिहड़े मनुवादी लोग ने उन्होंने शायद मनुस्मृति पढ़ी है, अते वह चाहते हैं कि जिहड़ी मनुस्मृति लागू हो जाए तो SC ST एक्ट के नाल संबंधित व्यक्ति जिहड़े आ उह थाणिआं 'च ही ना वड़न, जबकि जिस वक्त वो नौकरी लगते हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग नौकरी लगते हैं, पर संविधान पढ़ पढ़ के वो नहीं देख रहे कि SC ST एक्ट है उन्हां दी देश दे विच कितनी भागीदारी है, तो असीं कितना लोगों किस तरह की गल कर रहे हैं। अते इस करके अज्ज असीं मानजो DCP साहब पंडाल जी नूं मिले हैं, अते उन्होंने आश्वासन दिता कि 1-2 घंटे जिहड़ी आ उस SHO ते कानूनी कार्रवाई करांगे। जेकर उह कानूनी कार्रवाई नहीं करदे तां समूह संस्थावां दी इक राय है कि 24 घंटे का साडा अल्टीमेटम है, उस तो बाद जिहड़ी भी रणनीति तय होगी उसका जिहड़ी जिम्मेवारी पंजाब पुलिस पंजाब प्रशासन की होगी। इस वेले वाल्मीकि भाईचारे के वालों कई तरह के सवाल पुलिस से खड़े किए गए हैं, उन्होंने वालों सारी गल दसी गई। उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि जेडे परमिंदर सिंह बंडाल ने अमृतसर के DCP उन्होंने वालों टाइम दिता गया कि आने वाले समय के कार्रवाई की जाएगी। तो इस वेले मणि जी भी इतने पहुंचे हुए हैं, तो समूह वाल्मीकि भाईचारे के नाल लगातार वो खड़ते हैं, तो हर मुद्दे उन्होंने वालों उठाया जाता, तो असं उन्होंने भी गलबात करते हैं। हाँ सर, की कहना चाहते हो, पहला भी कई शिकायतें DCP साहब को दी गई तुहाडे वालों, की लगता है कि हुण कार्रवाई होएगी क्योंकि वड्डे अधिकारी ने कि अपने पुलिस मुलाजमान से कार्रवाई करनगे? जय भीम जय संविधान, हर वारी आवाज़ बुलंद समाज की होंद की कीती आ, अगे भी करांगे। जे सुनदे आ ठीक आ, नहीं तो सुनाना तो आंदा वा, बाबा साहब का राइट पता Article 19 है, एजिटेशन का अधिकार आ, राइट टू स्पीच का अधिकार आ, वह सारे थाने फोले जाएंगे जिथे लैन देन होंदा पैसे का। जे इन्होंने साडे समाज से तोहमत लाई है ना कि 5,000 ताडे प्रधान लैन देन करते, मैं सारे थाने फैलावांगा।
एक एक अधिकारी की वर्दी के उंगल चुकांगे कि जिन्हें लेन देन किया होगा जे साडे समाज वाल कोई वेखेगा उन्होंने उसे घूरी ना वेख्या जाएगा। साडे समाज उपर कई तरह के सवाल पहले भी उठाए गए हैं, एक वीडियो भी सोशल मीडिया से काफ़ी तेजी में वायरल हुई है, उस वालों शिकायत दी गई पर अज तक उस नौजवान की गिरफ्तारी नहीं की गई। उस नौजवान की गिरफ्तारी होएगी, कई बार क्यों होंगे कि बच्चे कुछड़ चुक लेंगे लीडर, वो जिहड़े कुछड़ चुके होंगे लीडर पहले उन्होंने उठाना हों वा इस टाइम टारगेट उन्होंने हैगा, दो तीन बारी प्रशासन को मंग पत्र देता वा तो वड्डा 24 घंटे बाद वड्डा एक एजिटेशन जहा होएगा, जो भी रणनीति साडे सलाहकार जिन्हें भी साडे समाज के गए उन्हां दी तैयार होएगी, उस तो बाद असी दसांगे कि समाज की रिएक्शन होएगा तो इस मुद्दे को लैके की साडे रिएक्शन होणगे। उहदी जिम्मेवारी प्रशासन को हैगी आ ते पंजाब सरकार को हैगी आ, क्योंकि हर वारी सानूं सरकार भी टोके देख रही आ किते ना किते साडी रिजर्वेशन भी खत्म कर रही आ, लेकिन समाज अपनी रिजर्वेशन खत्म नहीं होण देगा, साडी होद नहीं गल हैगी जी। हुण तुसीं इस टाइम अमृतसर दे डीसीपी नूं मिल के बाहर आए हो तो की गल कही गई उन्हां दे वल्लों? उन्हां ने कहा जी पहल दे आधार ते मसला हल होएगा, जे नहीं होएगा तो पहल दे आधार ते असीं बैठांगे। तो इस वे कोट खालसा के SHO भी इतने पहुंचे हुए हैं, असं उन्होंने भी गलबात करते हैं। हाँ सर, की कहना चाहते हो, की होया इन्हों वाल्मीकि भाईचारे वालों तुहाडे खिलाफ शिकायत दी गई है? नहीं, कोई ऐसी गल नहीं है जी, वाल्मीकि भाईचारा भी साडा अपना भाईचारा है, ठीक है ना। असी अपना सब तो पहला एक मनुखता के मुताबिक ही अपना जीवन जिहड़ा वा आपां बसर करते और मनुखता ला ही हर नाल बर्ताव करते हैं। वाल्मीकि संस्था के जिन्हें भी प्रधान साहबान आए ने, मैं उन्हों का सत्कार करता, मैं दिलों सत्कार करता पाया वहाँ, ठीक है ना। कल कोई कंप्लेट से शबीर जी आए सन नाल, ठीक है ना, उस मेरे कुछ ऑफिसर्स वालों कोई मिसमैनेज वगैरह की गई थी, अज उन्होंने सैटिस्फाई करा दिया गया। डॉक्टर सर तुहाडे वालों भी उन्होंने वालों कहा जा रहा है, वालों भी की गई है, उन्होंने वालों कहा गया कि वाल्मीकियों को मैं अगे भी थाने भेज चुका, दो जणे दे मामला दर्ज कर दिया गया। नहीं, कोई ऐसी यहोजी गल नहीं हुई साड़ी, जो भी जी भी साड़ी आपस में गल हुई है वो बारे उन्होंने सैटिस्फाई करा दिया, मैं जो भी ऑफिसर्स वालों होया से मैं सैटिस्फाई करा दिया। सर तुम अपनी गलती मनी है जी, क्योंकि ये कल तुहाडे खिलाफ इन्होंने वालों शिकायत दी गई है? हूँ नहीं, इस विच किसी किस्म की गलती तो मनने वाली गल नहीं है, लेकिन थोड़े जी अं आपस में सुबीर जी भी वधिया बंदे ने, बाकी संस्था वाले बंदे भी वधिया बंदे ने, ठीक है ना, कई वे मिसमैनेज मैनेज हो जाती है, उन्होंने सैटिस्फाई करा दिया गया। थैंक यू। तो ऐसी कोट खालसा SHO जो कि इतने पहुंचे हुए हैं उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि अगर मेरे कोई गलती हुई है तो उस मामले में इस पार्टी को सैटिस्फाइड करा दिया गया। जगबन टीवी के लिए गुरप्रीत सिंह, अमृतसर। देश दुनिया की हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लिए साडे YouTube चैनल नू सब्सक्राइब करो, नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लिए बैल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसी ये वीडियो Facebook ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।